हरि ओम। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पर्व के विषय में मैं कुछ संकेत में आपको बताने जा रहा हूँ। 27 जुलाई 2018 को गुरु पूर्णिमा का परम पर्व है। संयोग की बात है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रहण भी है। अब ग्रहण का जो सूतक है दिन के 2 बजे से लगेगी, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है सो उसी दिन जो है सो प्रातः काल जो रहेगी, इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो परम पर्व है वो प्रभात काल से और 2 बजे तक जो है सो निर्वाहन कर सकते हैं। गुरु पूजन, गुरु पादुकाओं की पूजन करना और गुरु का स्मरण करना, गुरु का ध्यान करना, ये आप जो है सो गुरु पूजन का परम पर्व, जब व्यास पूजन होती है तो व्यास पूजन उस समय तक कर सकते हैं। व्यास पूजन क्यों, गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है कि प्रत्येक वर्ष जब गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है उस समय गुरु का पर्व मनाया जाता है, गुरु का स्मरण किया जाता है, गुरु का पूजन किया जाता है। गुरु का पूजन क्यों किया जाता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम प्रार्थना में कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों गुरु का रूप है। ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों को संसार के संचालन के लिए 3 रूप धारण करना पड़ते हैं। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का रूप धारण करता है, ब्रह्मा जो है ब्रह्मा का रूप धारण करके और सृष्टि का उत्पादन करते हैं। विष्णु का रूप धारण करके सृष्टि की स्थापना करते हैं, संचालन करते हैं, और शिव का रूप धारण करके और सृष्टि का संहार करते हैं। यानी भगवान को 3 रूप 3 कार्य के लिए धारण करना पड़ते हैं, किंतु गुरु एक ही रूप में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का काम कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा उत्पन्न सृष्टि का उत्पन्न करना, ज्ञान का उत्पन्न करने वाला गुरु होता है जो ज्ञान का उत्पन्न करता है शिष्य के अंदर। विष्णु का काम क्या है, स्थापना करना है और संचालन करना। तो विष्णु का काम गुरु क्या करते हैं, शिष्य को समझाते हैं कैसा संसार में चलना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, निषेध और विधि दोनों का निर्माण करते हैं। ये विष्णु का काम हो गया। संहार करने के लिए शिव का काम गुरु करते हैं। संहार क्या करते हैं, अज्ञानान्तिविरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान का विनाश करते हैं, शिष्य के अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है वो उसका विनाश करते हैं। चक्षुर उन्मीलितम येन, ज्ञान की चक्षुओं को खोलते हैं, इसलिए गुरु को प्रणाम है। श्री गुरु रत, श्री गुरु चरण रज, गुरु के चरणों की रज अगर यदि शिष्य के जो है सो माथे पर लगा ली जाए, शिष्य अपने माथे पर लगाएगा तो उनका उद्धार हो जाता है, ज्ञान अपने आप ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जब गुरु अपने शिष्य के सिर के ऊपर ऐसा हाथ रखते हैं, शिखा के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो उनकी एकदम शक्तिपात हो जाता है, और शिष्य गुरुओं के उंगलियों 5 उंगलियों से निकलने वाली जो किरणें हैं वो गुरु शिष्य के सिर के ऊपर से पूरे शरीर में समाहित होती हैं। ये वैज्ञानिक के अनुसार भी जो है सो आशीर्वाद जो है सो वो शिष्य को फलीभूत होता है और उसको ज्ञान चक्षुएँ उसकी खुल जाती हैं, अज्ञान उसका विनाश हो जाता है। और गुरु का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश का काम करते हैं, गुरु ज्ञान के दाता होते हैं। गुरु यानी भजन, भजनदार, जो बहुत विशेष भजनदार होता है उसको गौरव है। गुरु यानी गौरव, यानी विशेष करके शक्तिमान होता है, गौरव जिसके अंदर हो वो गुरु कहलाता है। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, यानी दोनों शब्दों में लिखा हुआ गु यानी अंधकार, अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की ओर जो ले जाते हैं उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु जो है सो साल भर में शिष्य के
अंदर आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद देकर उसका पूरे एक वर्ष तक जो है सो उसका आशीर्वाद गुरु का फलता है उसको, और इसलिए हर साल गुरु के चरणों में नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए शिष्य को आना चाहिए। और शिष्य गुरु की दर्शन करके, उनका स्मरण करके, उनका जो पाद पूजन करके और उनका अर्चन करके आशीर्वाद गुरु से लेते हैं, तो उनके संसार में संचालन करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है और गुरु का आशीर्वाद फली होता है। इति हरि ओम।